Now students, question number 2, convert the following ratios to the percentage. अने हमको ratio दिया हुआ है, उसको percentage में change करना है. तो जैसे first दिया हुआ है A 3:4, मेरे को इसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है. तो इस 3:4 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं. 3:4 मींस 3/4, और इसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में. तो परसेंटेज का फिक्स है, जब भी आपको कोई भी नंबर परसेंटेज में चेंज करना है, व्हेन यू वांट टू एनी काइंड ऑफ नंबर और फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, यू हैव टू बी मल्टीप्लाई बाय 100. उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ रिड्यूस देम व्हेन 4 = 4, 4 = 8 एंड 4 = 20, देन 3 × 25, देन 25 × 3 = 75. इट मींस 3:4 इज 75%, एंड 3 जो है वो 4 का 75% है. Now question number 4, read in your textbook. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. एक football team है, उन्होंने total जितने भी match खेले, उसमें से 10 matches वो जीत गए, they won that. If their win percentage was 40, how many matches did they play in all? और उनका जो winning का जो percentage है, वो 40% है, तो total उन्होंने कितने match खेले? Okay, now football team won matches 10, percentage of winning matches is 40%. हमको ये बताना है total कितने match खेले, तो हम उसको suppose कर लेते हैं, let number of total matches be x. हम ऐसा ले लेते हैं कि total number of जो match खेले वो x है. अब इसने क्या बोला कि total number जो won winning की है वो 10 और उसका percentage ही 40 है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्टी परसेंट ऑफ एक्स इज 10, सही है. 40% ऑफ एक्स इज 10, यानी एक्स का 40% ही 10 आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. कि टोटल मैचेस एक्स है, उसके 40% विन हुए, मोन के उन्होंने, तो 40% कितने हुए, 10 हुए. तो हमने उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिया, मैथमेटिक्स स्टेटमेंट में, देन 40% ऑफ एक्स इज 10. नाउ सॉल्व देम विद 40, तो परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो हमारे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा. ऑफ मींस मल्टीप्लाई देन एक्स इज इक्वल टू 10. नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 इनटू 100 अपॉन डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई से 40 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, और यहां पर हम साइन लगाएंगे. नाउ 0 कट टू 0 एंड 4 वन जा 4 एंड 4 टू जाए 4 5 जा 20 एंड x इज इक्वल टू 25. अब 25 क्या था, नंबर ऑफ टोटल मैचेस. इट मींस नंबर ऑफ मैचेस, टोटल मैचेस, नंबर ऑफ टोटल मैचेस उस इज 25, यानी वो जो मैचेस टोटल हुए थे उसमें टोटल 25 मैचेस हुए थे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी डन इन द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, थैंक यू.